और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की उदय तिथि पंचमी और मंगलवार का दिन है। पंचमी तिथि आज सुबह 8:23 तक रहेगी, उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी। आज देर रात 1:32 तक शिव योग रहेगा। शिव का अर्थ होता है शुभ। यह योग बहुत ही शुभ फलदायक है। इस योग में जपे गए सभी मंत्र शुभ फलदायक होते हैं। इस योग में यदि प्रभु का नाम लिया जाए तो सफलता मिलती है। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल की सुबह 7:08 तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। आप जानते ही हैं कि आकाशमंडल में 27 नक्षत्र स्थित हैं। उन 27 नक्षत्रों में से आर्द्रा को छठा नक्षत्र माना जाता है। आर्द्रा का अर्थ होता है नमी। आँख में आने वाले आंसुओं को इस नमी के साथ जोड़कर देखा जाता है। आर्द्रा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह भी आंसू की बूंद को ही माना जाता है। वेदांग ज्योतिष के अनुसार भगवान शिव के रुद्र रूप को आर्द्रा नक्षत्र का अधिपति देवता माना जाता है। पेड़ पौधों में आर्द्रा नक्षत्र का संबंध शीशम के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म आर्द्रा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज शीशम के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आज आर्द्रा नक्षत्र के दौरान जाने अनजाने में शीशम के पेड़ को, उसकी लकड़ियों को या उसकी पत्तियों को किसी भी तरह का नुकसान न पहुँचाएँ और न ही उससे बनी वस्तुओं को उपयोग में लाइए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा शिव योग और आर्द्रा नक्षत्र की, और अब बात करते हैं आज आर्द्रा नक्षत्र और मंगलवार के दिन किए जाने वाले विशेष उपायों की, जिसे करके आप अपने व्यापार की गति और बढ़ा सकते हैं, घर परिवार में खुशहाली ला सकते हैं, साथ ही अपने जीवन में चल रही सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपके जीवन आपके किसी अजीज ने आपके साथ कोई महत्वपूर्ण काम किया है और आप उसे पूरी मेहनत, ऐसा कोई काम सौंपा है किसी ने आपको और आप पूरी मेहनत के साथ उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आज आर्द्रा नक्षत्र के दौरान देवी सरस्वती के मंदिर में जाकर आसन पर बैठकर देवी माँ की विधिवत पूजा करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपका कार्य समय पर पूरा होगा। यदि आप पर घर परिवार की बहुत अधिक जिम्मेदारियाँ हैं लेकिन आर्थिक समस्या के चलते आप उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आर्द्रा नक्षत्र में रात को सोते समय अपने सिरहाने पर चंदन का छोटा सा टुकड़ा रखकर सोएं और सुबह उस चंदन को राहु के मंत्र का जप करते हुए किसी धार्मिक स्थल पर दान कर दें। मंत्र है ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगेगी। अगर आपको किसी कारणवश मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है या आप किसी बात को लेकर कुछ दिनों से चिंतित हैं तो इस परेशानी को दूर करने के लिए आर्द्रा नक्षत्र में चंदन की माला लेकर गले में पहनिए। साथ ही आर्द्रा नक्षत्र में चंदन को पीसकर उसका तिलक भी अपने मस्तक पर लगाइए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी मानसिक परेशानियों का निवारण जल्दी ही होगा। अगर आप अपने जीवन साथी के बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं और तो इसके लिए आज आपको एक कच्चा नारियल लेकर किसी मंदिर या धर्म स्थल पर दान करना चाहिए। साथ ही राहु की स्तुति का पाठ करना चाहिए। राहु की स्तुति इस प्रकार है, अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्य हम। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन साथी का बिजनेस तेज गति से आगे बढ़ेगा। अगर आपको लाख मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पा रही है, उसमें कोई ना कोई अड़चन आ रही है तो आर्द्रा नक्षत्र में अपने घर के मंदिर में छोटी सी लकड़ी की चौकी रखें और उस पर गंगा जल से छींटा मारें। अब उस चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और माँ सरस्वती की प्रतिमा को उस चौकी पर स्थापित करके पीले रंग का वस्त्र माँ को पहनाएं और 16 श्रृंगार से माँ को सजाएं। इसके बाद देवी माँ के चरणों में सफ़ेद पुष्प अर्पित करके खोए की मिठाई का भोग लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाए रखना चाहते हैं तो आज के लिए इसके लिए आज आपको आर्द्रा नक्षत्र के अधिपति देवता भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। आज आपको शिव मंदिर जाकर जल में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए और साथ ही भगवान से अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आज इस प्रकार भगवान शिव की उपासना करने से आपका दाम्पत्य जीवन सुखी बना रहेगा। अगर आपकी जन्मपत्रिका में मांगलिक दोष है जिसके कारण आपको विवाह के लिए अच्छे रिश्ते नहीं मिल पा रहे हैं तो आज आपको मंगल यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। आप चाहें तो धातु पर बना यंत्र स्थापित कर सकते हैं या फिर आप आज आप खुद भी
इस यंत्र को बनाकर स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए भोजपत्र पर अष्टगंध से अनार की कलम द्वारा या फिर सफ़ेद कोरे कागज पर लाल पेन से बना से एक वर्गाकार आकृति बनाइए और उसमें 3 कॉलम बनाइए। अब हर एक कॉलम में 3-3 खाने बनाइए, फिर पहले कॉलम में बाएं से दाईं ओर क्रमशः 8, 3 और 10 लिखिए, फिर दूसरे कॉलम में बाएं से दाईं ओर क्रमशः 9, 7 और 5 लिखिए और फिर तीसरे कॉलम में बाएं से दाईं ओर क्रमशः 4, 11 और 6 लिखिए। इस प्रकार आपका यंत्र बन जाएगा। अब उस यंत्र की विधिपूर्वक पूजा कीजिए और उस पर कम से कम 11,000 मंत्रों का जप करिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम क्रां क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः। देखिए मंत्रों का जप किया जाना बेहद जरूरी है, मंत्रों के जप से ही यंत्र प्रभावशाली बनता है। आज इस प्रकार मंत्रों से सिद्ध किया हुआ यंत्र स्थापित करने से आपको मांगलिक दोष के प्रभाव से छुटकारा मिलेगा और जल्द ही आपको विवाह के लिए अच्छे रिश्ते भी मिलने लगेंगे। अगर आपने अपने बिजनेस पार्टनर से घर की किसी आर्थिक समस्या के लिए कुछ पैसा उधार ले रखा है लेकिन अब वो समय पूरा होने से पहले ही आपसे पैसा वापस करने को कह रहा है या पैसों पर अधिक ब्याज लगाने की बात कर रहा है, तो इस परिस्थिति से छुटकारा पाने के लिए आज आपको ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आप पाठ न कर पाएँ तो ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का ऑडियो सुन लीजिए, ऑडियो आपको इंटरनेट पर आसानी से मिल जाएगा। आज के दिन ऐसा करने से आपको कर्ज से छुटकारा मिलेगा। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में उदासी ने अपनी जगह बना ली है जिसके चलते आप अपनी कोई भी बात अपने जीवन साथी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आज एक सूखा नारियल और एक कटोरी में पीला सिंदूर लीजिए। अब उस सिंदूर में थोड़ा सा चमेली का तेल मिलाकर उसे गीला कर लें और उससे नारियल पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। अब उस नारियल को हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन से उदासी छूमंतर हो जाएगी और जीवन में बाहर ही बाहर आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आपको कभी ऐसी आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े जबकि आपको कर्ज लेने की नौबत आए, तो ऐसी स्थिति से अपने आप को बचाए रखने के लिए आज शाम के समय हनुमान मंदिर में जाकर या घर पर ही हनुमान जी की मूर्ति के आगे घी का दीपक जलाकर उन्हें बूंदी का प्रसाद अर्पित करें, साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको भविष्य में कभी भी कर्ज लेने की नौबत नहीं आएगी। अगर किसी के पास आपका पैसा फंस गया है और वो आपको पैसा वापस देने का नाम नहीं ले रहा है, तो आज हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं, साथ ही मंगल के इस मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है, ओम क्रां क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपका रुका हुआ धन वापस मिल जाएगा। अगर आप अपने जीवन में सभी चीज़ों के बीच बैलेंस बनाए रखना चाहते हैं, तो ऐसे में आज आटे में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर उसके पुए बनाएं और गाय को खिलाएं। साथ ही मंगल के इस मंत्र का 51 बार जप करें। मंत्र है, ओम मंगलाय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आप अपने जीवन में सभी चीज़ों पर बैलेंस बनाए रखने में कामयाब होंगे, सफल होंगे। तो यह सारी चर्चा थी आज मंगलवार और आर्द्रा नक्षत्र के संयोग में किए जाने वाले विशेष उपायों की। उम्मीद है कि आप इन उपायों को अपनाकर जरूर लाभ उठाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।